अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल अर्बन टिप्स एंड ट्रिक्स दैट मेड लाइफ इजी। सबसे पहले तो आपको मेरी और मेरी टीम की तरफ से ईद मुबारक। ईद के इस मौका पर मैं आपको देने जा रही हूँ बीफ शनवारी कढ़ाई की रेसिपी, जो मुझे उम्मीद है कि आप ट्राई करेंगे तो आपको ज़रूर इंशाल्लाह पसंद आएगी। तो इसके लिए हमें जिन अज़ा की ज़रूरत है उसमें मैंने 2.5 kg बीफ लिया है। इसको मैंने अच्छे से साफ़ करके छोटी छोटी मैंने बोटियाँ बनाई, इसकी छोटी छोटी बनाई हैं मैंने बोटियाँ, ज़्यादा बड़ी नहीं रखी। इसको मैंने साफ़ कर लिया है और फिर मैंने इसको पानी से वॉश करके इसको मैंने स्ट्रेनर में रखा है, और नीचे साथ ही एक मैंने बर्तन रखा हुआ है कि इसमें से जो इजाफी पानी या जो भी गोश्त में खून वगैरह होता वो इसके अंदर आ जाए। और इसमें जाएगा नमक, इसमें जाएगा, मैंने हरी मिर्चें ली हैं इनको मैंने चॉप किया हुआ है, अदरक और लहसुन जाएगा चॉप किया हुआ जाएगा। इसमें आपने चॉप किया हुआ अदरक और लहसुन डालना है, आपने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट बिल्कुल नहीं डालना। और दही मैंने 1 पाव के करीब ली है, टमाटर लिए हैं 1/2 किलो से थोड़े से ज़्यादा है, आप 300 ग्राम कह लें। और इसमें जाएंगी काली मिर्चें पिसी हुई जाएंगी, और बिल्कुल हम एंड में यूज़ करेंगे हरी मिर्चें, अदरक और धनिया, ये हम सिर्फ गार्निशिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो आइए फिर हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने एक कढ़ाई ली है, उसके नीचे मैंने फ्लेम को ऑन कर लिया और उसमें मैंने तकरीबन 1/2 kg के करीब ऑयल डाला है, और इसको जो है मैं गर्म कर रही हूँ, और इसमें मैं साथ ही थोड़ा सा नमक डाल देती हूँ। नमक आपने टेस्ट के हिसाब से ही रखना है। ऑयल के गर्म होने के बाद बीफ को मैंने इसमें कढ़ाई में डाल दिया। अब इसको मैं इस ऑयल में फ्राई करूंगी तकरीबन 5 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं आपने इसको फ्राई करना, सिर्फ आपने इसको 5 मिनट का टाइम देना। जैसे ये फ्राई हो जाएगा फिर हम इसको प्रेशर कुकर में गलाएंगे। अगर आप चाहें तो इसको ऐसे गला लें, वैसे गलने में गोश्त तकरीबन 1 घंटा ले जाता है, तो इसलिए टाइम ज़्यादा लग जाएगा। मैं इसको प्रेशर कुकर में लगाऊंगी, उसमें मुझे सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट लगेंगे। ये बीफ को मैंने फ्राई कर लिया, इसको मैंने पूरे 5 मिनट फ्राई किए। अब मैं इसको प्रेशर कुकर में डालूंगी। प्रेशर कुकर में मैं ये बीफ डालूंगी, तकरीबन 1 गिलास के करीब मैं इसमें पानी डालूंगी, और ये मैंने बीफ को प्रेशर कुकर से निकाल लिया है। इसको मैंने तकरीबन 15 मिनट दिए, तो गोश्त जो है वो हमारा टेंडर हो गया है। अब इसके अंदर जो एक्स्ट्रा पानी है मैंने उसको जो है हाई फ्लेम के ऊपर पुश करना है, और प्रेशर कुकर में जो डाला था मैंने इसमें डाले थे टमाटर चॉप किया हुआ, अदरक लहसुन, और मैंने इसमें पानी डाल के इसको मैंने प्रेशर कुकर में 15 मिनट किया था। और ये जो इसमें टमाटर की जो स्किन आ रही है ना, इसको भी मैंने रिमूव कर लिया। ये इसको कढ़ाई को मैंने फ्राई किया, अब देखिए इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा ऑयल आना शुरू हो गया, इसके ऊपर थोड़ा सा और ऑयल आ जाए। तो फिर हम इसके अंदर दही शामिल करेंगे। इसको मैं हाई फ्लेम पर पका रही हूँ, तकरीबन 5 मिनट और लगेंगे हाई फ्लेम पे इसको सेट होने में। अब देखिए चेक करें, इसके ऊपर जो है ना ऑयल आना शुरू हो गया हमारी जो कढ़ाई है वो थोड़ी सी ड्राई हो चुकी है। अब इसमें जो मैंने दही रखी हुई थी,
वो अब मैं इसमें शामिल करके फिर मैं इसको जो है ना 5 मिनट तक पकाऊंगी। और अब मैं इसमें सब्ज मिर्चें भी डालूंगी जो मैंने चॉप की हुई थी। सब्ज मिर्चें आप उतनी डालिएगा जितनी आपको पसंद है, टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। मैंने सारी नहीं डाली, कहीं बहुत ज़्यादा ना हो जाए, मैंने थोड़ी सी अभी इसमें ऐड की है। इसको ऐड करने के बाद मैं फिर इसको थोड़ा सा टेस्ट चेक करूँगी, अगर इसमें मिर्चें ठीक हुई तो मैं इसमें मज़ीद नहीं डालूँगी, अगर ज़रूरत हुई तो डालूँगी। तो आप भी इसको अपने टेस्ट के हिसाब से सेट कर लीजिएगा। दही का पानी भी मैंने हल्की आंच पर इसको खुश कर लिए। अब ये देखें इसके ऊपर ऑयल आना फिर से शुरू हो गया। और इसमें आप जो है ना ग्रेवी इतनी रखिएगा जितनी आपको चाहिए, तो मुझे इतनी ही चाहिए। तो मैं यहाँ पर अब इसको बस फाइनल करने लगी हूँ। अब इसमें मैं 1 चम्मच के करीब काली मिर्चें डालूँगी। इस कढ़ाई की खास बात यह है कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा मसाले हमें नहीं डालने पड़ते। ये पिसी हुई काली मिर्चें ये इसमें जाएंगी और ये डाल के बस मैं इसको मिक्स करूँगी। अब नहीं मैंने इसको बहुत ज़्यादा पकाना। और मैं फ्लेम को ऑफ कर दूंगी। ये है जी हमारी बीफ शनवारी कढ़ाई और अब मैं इसको गार्निश करूंगी। गार्निशिंग के लिए मैं थोड़ी सी हरी मिर्चें और कटी हुई अदरक और थोड़ा सा धनिया डालूंगी। मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि आपको मेरी ये ईद की फ़र्स्ट डे की रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरी टीम की तरफ से और मेरी तरफ से एक बार फिर आपको ईद मुबारक। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।